कितनी सौगतों का सामना किया आपकी जिंदगी में, आपने कोशिश और इस तरीके से लोगों ने परेशान किया, आपको मारने की थी, आपको नौज बिल्ला घर से भगाने की लोगों ने दी, मगर उस वक्त जब मुस्तफा करीम तन्हा थे, जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, सारे दो आलम बिल्कुल पसमुर्दा और अबसुर्दगी की हालत में आ गए, आप बिल्कुल खामोश बैठे थे, तशरीफ फरमाते थे, कौन आएगा जो भी करेगा, इसलिए मैं मौला हाजिर हाजिर खबीर का हुजूर क्या आप अफसोस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपका मिशन है, आपकी तकदीर क्या है, आपका इरादा क्या है, सरकार ने जवाब दिया था, सरकार फरमाते हैं ए अली अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह का नाम पहले खानदान पहुंचाऊं, अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का फरमान क्या है, अपने अकरबा और इज्जत दीन पहुंचाऊं ए अली, इसके लिए मुझे जरूरत है, आदत है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो सरकार मौला अली का, उस वक्त बचपन खिलाने के बाद क्या करेगा सरकार मौला अली का दस्तरखान है, दस्तरखान से खाए हुए लोग खड़े हैं, उस वक्त मुस्तफा ने फरमाया लोगों अल्लाह का नाम मुझे हल्दी हर जरूरत दे रहा है, अल्लाह का पैगाम धरती के चप्पे 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 थपी थपी कर रहा है, अल्लाह का पैगाम जमीन से हिस्से 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 पे फैला रहा है, अल्लाह के नाम की तारीख तारीख है, तुम 400 में से कौन हो जो मेरी इस तारीख में मेरा सपोर्ट करेगा, कौन है जो मेरी मदद आगे बढ़ेगा, कौन हिमायत करेगा, कौन कॉम्पिटिशन के लिए आपको पेश करेगा, अल्लाह की कसम कसम वो 400 लोगों ने उस वक्त दस्तरखान पर रोड पर रोड पर कौन मजा मजा उतरिया, मगर जब सारे द्वारे द्वारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए इस्लाम फैलाने के लिए इस्लाम के फलाह फलाह के लिए इस्लाम के फरोग फरोग के लिए अल्लाह के नाम पहुंचाने के लिए फर कर तक अल्लाह के नाम की तहरीक के लिए जब आवाज लगाई लगाई नारे
इसलिए अकलबंदी आपकी इसी में है। आप अभी जो खाली जगह पड़ी है उसको अपनी जगह बनाकर आप वहां मुतमईन हो जाए बैठ जाए। उसके बाद जितनी जलसे के एक पहलू का आपका हाल है। इस जलसे में आए हुए मेरे बाद हिंदुस्तान की नसीम खतियों भी है, पीर भी है, औलाद अली भी है। सरकार हुजूर रसूल अजी इतनी बड़ी मैं इसका इनकार नहीं कर सकता। सरकार मौला अली से लोगों ने
आज आज या तो कोई कोई बेटा है या तो कोई लड़की का भाई है या किसी कोई गार्जियनशिप में तो ऐसी ऐसी हालत में बेहतर होगा कि मैं बातें आप तक ऐसी पहुंचा दूं कि समझे समझे सम्मान है और हमको अपने वाले वाला एतराब एतराब करना चाहिए। मुस्तफा मुस्तफा जब जब मस्जिद मस्जिद तबूवी तक गए तमाम तमाम सहाबा खड़े हो गए। सरकार सरकार तो आलम सहाबा सहाबा देख कर देख रोने रोने लगे सारों कतार रोने लगे। थोड़ी थोड़ी बात के बाद साहब सरकार आपके रोने रोने की वजह क्या है? यहां तो रोने रोने का कोई भी नहीं समझ में आता है। आप नमाज नमाज पढ़ाएं आप नमाज पढ़ाइए आप रो क्यों रहे हैं? शीर ने आपको बुलाया आप क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाते हैं लो लो अधूरा निवाल और कहर होगा होगा ए मेरे सहाबा काश मेरे मां-बाप जिंदा होते या उनमें से किसी को मैं पाया होता वो आना फी सली सली ईशा और मैं नमाज नमाज ईशा में होता वो करात फी हाफि हाफि किताब किताब और नमाज नमाज ईशा में ऐसी पोजीशन में मैं सूरह सूरह की तिलावत करता होता ताप ताप कर मेरी मेरी मुझे मुझे बुलाती तो मैं नमाज नमाज छोड़ के पहले बार का बार का बेहाल देते। नौजवानों आज हमें शर्म नहीं आती आज अक्सर बेश कर देश की अपनी माँ से माँ से बोलते तूने क्या क्या किया मेरे लिए हम कहते कि नहीं बोल ईमानदारी से आप लोग बोलिए बोलिए बाप को बोलता है कि आप क्या क्या किया कलिया चलिया चली में हमने हमने लिया कलकत्ता वाला मकान हमने खरीदा फलाने जगह खेत हमने लिया है आप तो खाली पैदा पैदा करके छोड़ साहब साहब आपके वालिदैन पैदा करके छोड़ दिए हैं आप जिंदगी भर अपने अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे रहे बाबा फरमाते हैं पैदाइश के वक्त जो मां को लीफ होती है ना आप पूरी जिंदगी की खिदमत भी उसके लिए उसके बाप ही माने माने लेती है और अपने हम अगर कहें कहें और ये सोचें उसके बारे में बाप 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 बेकार आदमी फलाने कलाने का बड़ा अच्छा अच्छा उसका दुकान खरीदवाया उसके लिए मकान मकान खरीद उसके लिए जमीन जमीन खरीदवाया हमारा हमारा बाप कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अगर आप अगर आप ऐसा लगता है कि आपका बाप आपने किया है एक दिन रात के तन्हाई में अपने बाप बाप सोने सोने हालत हालत में आप उनके सर के बालों बालों में गिनने की कोशिश कर रहे हैं 40 साल हमारा बारा बारा मकान मकान कल्याण कल्याण हमारी हमारा करे करे तभी तभी हम उन्नत करे करे जरूरी जरूरी नहीं है हमारे गार्जियन को जो आज शुगर की जो बीमारी बीमारी जो डायबिटीज डायबिटीज पेशेंट हमारे लोग हैं इनकी बीमारी बीमारी वजह वजह हम जैसे औलाद है बच्चों की नाकामी को एक बाप बाप टॉलरेट नहीं कर सकता बर्दाश्त कर पाता जब बर्दाश्त नहीं करता करता उसी टेंशन में 40 साल पहले ही गार्जियन को शुगर की बीमारी हो जाती और हम बोलते हैं कि आपने क्या किया और हम कहते हैं कि आपने क्या किया मैं बताऊं मैं अपनी बात मैं 2002 में कई बार आजमगढ़ ये बात अक्सर जगहों पे बता चुका हूं मेरे वालिद साहब 500 रुपया मानिया लगाए थे आप खुद ही लेने पहुंच गए वहां गए मुझे रोने रोने बोला चलो चलो मुगल स्टेशन आए वहां से क्या आना था मुगल स्टेशन बनाने के बाद चंद पैसे के पास बचे थे भूख भूख लगने का एहसास लाया कि अब क्या मुझे लगी है उन सारे सारे पैसों में कितने पैसे पैसे बचे थे चार चार किले खरीदे गए चार किले खरीदे अब्बा भी कुछ नहीं खाए थे उन चार किलो में से तीन केला मैंने खाया एक केले को मैंने अब्बा की तरफ पढ़ा के कहा अब्बा इसे एक आप भी खा लीजिए तो मालूम है अब्बा ने क्या कहा मुझे भूख नहीं लगी मेरी तबीयत खराब है पेट में गैस केला नुकसानदेह
और वही वाले तुरंत पहुंचने के बाद समय से सुना कहते हैं जल्दी खाना लाओ ना मुझे भूख लगी है। बात समझ में आ गई बाप हमारा सब कुछ बताता नहीं वो सारी लिखो को टॉलरेट कर हमारे लिए और हम जैसे बेहूदे लड़के और अपने मां के एहसान और बोलते कि आपने हमारे लिए क्या किया मन के बाप हमारा ठीक नहीं है। साहब मैं जानता हूं आप कलकत्ता की नारी में दारी में मैं जानता हूं ऐसा कोई है कोई हेड क्लास कोई मास्टर कोई लेजर है कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई प्रोफेसर है कोई अमीर आदमी है कोई लेबर है कुछ है मगर आपका बाप आपका नहीं है दुनिया में कुछ नहीं हुजूर पीर साहब का फैसला होगा किसी दिन कि हुजूर मैं अगर चाहूं अल्लाह राजी होगा। दुनिया में किसी पीर को बताओ जिनकी विलायत सरकार उसे आजम के आजम के हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं जलसों में अक्सर बोलते हैं कि गौसे आजम ने इतने मुर्दा किया और आप चलते हैं और हमारे मीडिया वाले भाई लोग एक क्लिक डालेंगे आजम ने बदार मुर्दा को जिंदा कर दिया ऐसा मालूम कि ये लोग गिनती करने के लिए मौजूद हैं आपका वाईफाई था कनेक्ट थी सोशल मीडिया थे नहीं बताने बिल्कुल बताइए आपके तालुक से किया मुर्दों को जिंदा करना 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 के बलि कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं जो चाहे जो न चाहे ना चाहे हमारे हुजूर पिलाए हैं इनको अल्लाह ने ऐसा किया है यह चाहे ऐसा कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहे तो आप परेशान नहीं बना सकते वली होने की वो आदमी हवा में उड़े वली बनने के लिए जरूरी नहीं कि पानी में तैर कर जाने का बगदादी की तरह नमाज पढ़े तभी हम वली माने एक बार तैर के पानी में बिछा के नमाज पढ़िए तो वली मानेंगे वो सारी चीजें तो अल्लाह वाला वाले के लिए लेफ्ट हैंड की बात है। अगर सबसे बड़ी से करामत गौसे आजम की ना नौजवानों गौर से आपका दिल नहीं बन गया आज फिर दोबारा मेरी तकरीर सुनिए आपका दिल से सुन दिया सरकार गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में बेशुमार करामत दिखाई और आपकी करामत के साथ दूसरी करामत करना करना भी देखा मगर आपकी जिंदगी की मेरी निगाहों के एतबार से आप देखेंगे तो सबसे बड़ी करामत वो नहीं जो आपको मुर्दा किया वो नहीं जो आपके महफिल में कई 70 रीतों के घर जाकर सार फरमाई बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत वो थी कि 13 साल की उम्र शरीफ में सरकार हमारा मुरीद का बेटा मुरीद का बेटा मुरीद
दामन पकड़ते पकड़ते बोला मैं ईमान लाया अल्लाह पर उसके रसूल पर आज के तभी नबी नमाज़ करूंगा मगर उसके वादे के साथ उल्लंघन किया। एक बात भी करते हैं और हम सोचते कि सरकार से कर्म से कामयाब होंगे और या उसका ही का फिल्म कर्म उन लड़कों पर नहीं होगा जो लड़के अपने को सतोते हैं। ऐसी मकाने वाले वाला वलाई करने वाला सभी शरीर में वाला वाला लगाने वाला कलकत्ता हो दिल्ली हो चेन्नई हो हैदराबाद हो कानपुर हो सारी कैपिटल सिटी हो ज्ञान के बाहर हो और हो दुनिया की आबादी आबादी घुस जाए सारे पैसे पैसे पास हो जाए सब सफाया सुपर हो जाए सिर नारा नारा बाप से नारा रहे अल्लाह की कसम कसम दुनिया के सारे पीर पीर से रोज हो जाए तब तक नारा नहीं होगी होगा जब तक बात नहीं होगी हो जाए। खिदमत करेंगे इज्जत करेंगे मोहब्बत करेंगे बेटा बेटा मकान में लेटा है और बाप कलिया कलिया पीछा बेचारा चार चार खान से एक ही बेडशीट पर पीछा पीछा की बिस्तर पे लेटा हुआ है उसका बिस्तर और उसका बेडशीट बदलने वाला कोई बेटा नहीं याद रखिए वही बाप है जो हमारी पैदाइश पैदाइश टू बाटू बाटू ये वही बूढ़ा है जो हॉस्पिटल से लेकर लेकर आते वक्त जाने जाने मतलब लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया हजरत ये तीसरा बेटा हजरत ये चौथा बेटा हजरत ये पांचवा बेटा पांच बेटों बेटों का पांच पांच पर लेटा है उठाने वाला कोई नहीं। नौजवानों जलसे कलसे का मेन तो मकसद ही होता है जलसे में आने का मकसद ही होता है इंसान दिल की दुनिया दुनिया बदल जाए। हमने जिस रसूल का सुना है ना उस रसूल रसूल वाले वाले दिन की पक्का पक्का आपने अमली अमली ऐसा बेहतरीन तरीन पैगाम दिया है कि दुनिया में आज तक मोहब्बत बनने वाले दिन के लिए पेश सरकार से काश मेरे मामा होता और मैं मामा मेरी को पाता नमाज होता और मेरी मां बुलाती तो नमाज छोड़ कर मां की बात में हाजिर देता और आज हम अपनी मर्जी हमारी बेटियां ये हमारी बच्चियां हमारे बच्चे इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है मां-बाप
छोटे 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 नौजवान लड़के जो है जो 18-16 साल की बीच उम्र है, अब तो एक फैशन चला है अपनी सारी सारी अपनी मर्जी बाप का बाप मान लिया कर दिया वरना अपने तरफ काम करेंगे। बाप कहे बेटा ये रास्ता बच्चा तो बेटा वही रास्ता बाप से कहेगा आप जानते हैं वो सही है वो काम ठीक है बोलता है ना अरे बोलता है कि नहीं कि नहीं बाप बाप बार बार मना करता है कि ये काम मत करो बेटा वो भी काम और ज्यादा बात दर्शन देगा तो बोलेगा बोलेगा बेटा कि आप नहीं मालूम है आप चुपचाप आराम से रहिए हम जो काम जो कर रहे करने दीजिए। नौजवानों जिस रास्ते में पीछे हो सुनो ए कलीमी भाई खामोश रहिए रास्ते में हूँ और हमें जाने से मना कर दे तो यकीनन हमें मान लेना चाहिए। बोलो ना अगर हमने फांसी पर लटक जाऊंगा मैं तो आगे जो लड़का पहले बोले कभी मेरे सामने तो अगर वो एक घंटे के बाद खाने वाला नहीं रहा तो मैं कहूंगा पहले ही खा ले खा ले ये सब इधर भतीजा है मां बाप के और बूढ़ा बेचारा बोलता ठीक है जैसा करना कर दे। शीशी लगता है उसमें शीशी में खांसी की दवाई दे दी कफ की दवाई के बोलता है कि खा लूंगा मैं तो शादी करा दीजिए हमारे हमारी बच्चियां अगर आज मर्जी की शादी करने पर हमें और ये कहते हैं कि वो लड़का बेहतर है वो लड़की मेरे लिए बेहतर है और बाप बोलता है कि नहीं बेहतर है बेटा बोलता वही बेहतर है बाप बोलता नहीं बेहतर है बेटी वही बेहतर है। मैंने हजारों केसेस देखे हैं जो लड़कियां जो लड़के मर्जी शादी बगैर वाले दिन से पूछे किए हैं कभी ना हुआ बस यही मुझे वर्कशॉप है।
I have only one kidney for my life. सबसे पहले तो लड़का नंबर नंबर ब्लॉक करे बोलेगा अरे अरे ये तो सही में सही में ये गंभीरता से ले ली अब तो बहुत लेट जाते हैं खाली हाथ के हाथ में कीजिए अच्छा मैं क्या कह रहा था लड़का तो पहले काम करेगा उसके बाद टाइम बचेगा फिर डिसाइड करेगा भी दोबारा दूर के इलाके में नहीं जाना है उस गांव में जाना ही नहीं है वो जान जाएगा लड़की जान ले मैंने क्या इससे कह दिया कि जाए तो सही में जान मान कौन डोनेट करने जाए इनको और वाकई वही को अपने वालिदैन की पैसा
इज्जत कमानी जरूर 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 वो सब नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा, नारा नारा उससे नहीं हो पाएगा। सीना जाम है कल दो घंटा हंगामा। इन चीटें लेकर नाम हमें हाजिर नहीं, हमें सिर्फ बता देना कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा कितना ऊंचा है, मगर जरूर मालूम है कि नीचे मौला अली रहता है, वो चाली दरवाजे खैबर के दरवाजे खाल फेंका उस अली का नाम लेने वाला कमजोर नहीं होगा। आजकल देखा जाता है सर्विस देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि लड़का कितना अच्छा है।
ये नहीं ये नहीं डिसाइड कर पाते कि लड़का हमारी बेटी की बात मजाक कर रहा है कि नहीं। अक्सर देखा गया है पैसे पैसे पाओ पाओ रास्ते रास्ते से उसके घर में घर में काम मतलब नहीं नहीं हम बेटी ब्यादी मकान देखकर बेटी ब्यादी ब्यादी और दुकान देखकर अपनी बेटी को हमने गांव की दुल्हन बनाकर बनाकर घर के घर पर पैसा देखकर नतीजा हमारी हमारी बेटी एक रात रात भी उसकी नींद की नींद उस अमीर में नहीं ले पाती। बिस्तर मखमली होगा, टाइल्स लगे रहेंगे, ईयर कंडीशन होगा, मगर मगर बैंड बैंड रात रात 12 बजे शराब शराब पीकर आकर बेटी को गालियां देता नजर आएगा। मुसलमानों ऐसे लड़कों से आप लाखों लाखों को घर का दामाद दामाते हैं क्यों? जो लड़के आपकी बेटी को परेशान करने में कोई कमी ना छोड़े, एक दिन आप डिसाइड कर लो कि रात के 10 बजे जो अब मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमकर आवाजी करके सिगरेट दारू थांग ददुला पीकर हमारे हमारी बेटी के बेडरूम में आएगा, इसे लड़कों से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करानी हो तो नमाज ईशा के बाद जो लड़का एक बार कुरान पढ़ने का आदि हो, आंख बंद करके अगर वो ठेला चलाने वाला लड़का हो उसके साथ अपनी बेटी को ब्याह दो। अल्लाह की कसम आप भी खुश रहोगे, कयामत तक आपकी बेटी के हमेशा कि वो लड़का ईशा के बाद कभी सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि ईशा के बाद वो कुरान पाक तलाश करेगा कि एक पारा कुरान पढ़ा जाए। और फिर इसके देखा देखी नतीजा उन सिगरेट पीने वाले बच्चों के लिए क्या होगा, वो सोचेगा कि यार अगर मैं भी कुरान नहीं पढ़ूंगा तो कुंवारा रह जाऊंगा, मैं अगर बिगड़े रहूंगा तो शादी नहीं हो पाएगी, मैं अगर ताड़ी शराब नहीं छोड़ूंगा तो कोई ब्याह नहीं कराएगा मेरी। इसलिए धीरे धीरे उन लड़कों को देखते देखते हमारा माहौल हमारी सोसाइटी बदल जाएगी और अवारगी से हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे। ये भी बदलने का एक तरीका है, आप पहले तरजीह दीजिए ना। आप किस बुनियाद पर, जब पैसों की बुनियाद पर शादी कराएंगे तो लोग पैसा तो मांगेंगे, चेहरा देखकर शादी कराएंगे तो लोग चेहरा के बाद की बात करेंगे, जब आप अखलाक देखेंगे सीरत देखेंगे किरदार देखेंगे। और एक चीज और बताऊं मैं, हम लोग बोलते हैं खानदानी खानदानी लड़का खानदानी लड़की, आखिर मैं पूछता हूं ये खानदानी क्या होता है भाई, व्हाट इज खानदानी? खानदानी क्या है बोलता ना, खानदानी घर देख के थोड़ा देखिएगा खानदानी होना चाहिए। अच्छा तो आपका बेटा खानदानी है, जो ठेला चलाने वाला वो आसमान से टपका है। लोग सोचते हैं खानदानी का मतलब ये होता है जिसके बाप दादाओं के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किस बहुत दिनों से रहा हो वो खानदानी है, और जो लोग मजदूरी करते रहा हो उन बच्चों के दादा नहीं थे क्या, उनके परदादा नहीं थे क्या, उनके परदादा के परदादा नहीं थे क्या, कहीं बहता हुआ पानी में मिला था क्या वो, उसका भी तो कोई खानदान होगा। खानदानी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं, खानदानी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अगर आपके कहने के मुताबिक हम मान भी लें तो खानदानी का तस्वीर इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि किसके पास माल ज्यादा है, किसके पास दौलत ज्यादा है, किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके बाप दादाओं के पास आज से 100 साल पहले घोड़े थे हाथी थे, ये सारी चीजें अगर ये तस्वीर है भी तो ये गलत है। हाँ अगर खानदानी का कोई मतलब हो सकता है तो ये होगा कि इनके बाप नमाजी है, किनके दादा नमाजी है, किनके परदादा नमाजी थे, किनके घरों में कोई शराबी नहीं है। जब इस बुनियाद पर खानदानी का कॉन्सेप्ट आपके माइंडसेट हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम कहता हूं ये आपसी जो विवाद रहती है साहब कि हम अपनी बेटी को वहां नहीं पिलाएंगे यहां पिलाएंगे, ये सारे तसव्वुर खत्म होंगे। फिर एक अकलमंद आदमी अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए तरजीह उस घर को देगा जिस घर से नमाज जिस घर में नमाज अदा की जाएगी, जहां से तिलावत कुरान की आवाजें आएंगी, जहां के बच्चे हमेशा शराब से परहेज करते रहेंगे उसी घर में अपनी बच्चों की शादी हम दिलाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट चूंकि बंगाल को बंगाल और बिहार के आइए बंगाल से सटे इलाके ने जहेज के कारोबार ने इस कदर तबाह कर रखा है साहब, 40-40 साल की हमारी बच्चियां हो गई हैं मुसलमानों की बेटियां, सुनो और से 40 साल की बेटियां मगर शादी नहीं हो पा रही है। वजह यह नहीं कि उसको लड़का नहीं मिल रहा है, वजह यह नहीं कि लड़की को ऐब है, वजह यह नहीं कि लड़की अच्छे फैमिली से नहीं है,
बल्कि वजह यह है कि उसके बाप के पास इस जमाने के डिमांड के एतबार से शादी कराने की ताकत नहीं है। याद रखिए, अगर हमारी बच्चियां उसकी उम्र 40 साल हो जाए और वो घर छोड़ने पर, भागने पर, किसी के साथ ब्याह कर लेने पर मजबूर हो जाए, तो इस पाप का बदला अल्लाह सिर्फ उसके घर वालों को नहीं बल्कि उस पूरे मुआशरे को। पाप पड़ेगी, पाप, लानत और नहुसत आएगी सबके घरों में। आज हम फैशन करते हैं क्या, हमको तो हमारे बेटे की शादी में 10 लाख दिया, हमको 10 लाख मिला, उनको तो 5 मिला। फैशन मोच पे ताओ। अब देने वाले बेटी बेटी वाले भी बोलते हैं, हजरत अभी अगला एक साल पहले मैंने बिटिया की शादी कराई, 10 लाख दिया, बगैर पूछे बोलता है, इतना बेवकूफ है। बगैर मां, देखिए जहेज ना लेना हराम है, जहेज ना देना हराम है, पहले क्लियर करूं मैं, जहेज ना लेना हराम है ना देना हराम है, जहेज मांगना हराम है और देकर नुमाइश करना हराम है। आपको जहेज में जहाज दे दीजिए, कोई नहीं रोकेगा, दे दीजिए बेटी को, करोड़पति है तो दे दीजिए, मगर ये जो गिनती का सामान लाके रोड पे लगा देते हैं और एक एक चम्मच इतना, कटोरी इतनी, प्लेट इतनी, ये सामान वो सामान, ये मसाला पीसने वाला, एक देखा शादी में मैंने गया वो भी लिखा हुआ था, वो हमारा साइन लिया उसने। मैंने कहा साहब हमने तो दिया नहीं सामान, तो मेरा साइन ले रहे हो। कह हजरत आप मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा है ना, तो उसमें साइन होना मांगता है ताकि पता चलेगा हमने कितनी प्लेट दी, कितनी थाली दिया। तो बेटी वाले करते क्या है कि सामान सबको दिखाते फिरते हैं कि हमने ये सामान दिया, वो सामान दिया, वो सामान दिया। यही चीज इस्लाम में मना है। आज आप अपनी बेटी को अपाची गाड़ी दे देंगे, फोर व्हीलर कार दे देंगे, फोर व्हीलर दे देंगे, बेशक आप दे दिए, मगर आपके दरवाजे पर लगी कार और आपकी नुमाइश का ये अंदाज किसी गरीब को आह, किसी गरीब ने देखकर आह कर दी, तो इसका बदला जानते हैं कितना खराब होगा। कोई गरीब बच्ची अगर आपके दरवाजे पर लगे पलंग, टेबल, कुर्सी, गोदरेज, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजों को देख ले और वो तड़प कर अल्लाह से कहे कि अल्लाह काश मेरा बाप भी ऐसा ही अमीर होता तो मुझे भी यही सामान देता, उस वक्त एक गरीब का दिल टूटेगा, उसकी बेटी रोएगी, उसके रोने की वजह से उसकी नहुसत आप पर पड़ेगी। इसलिए मना किया गया है, आपको जो देना है बंद मुट्ठी में आप दे दें, देखने वाले जो सामने थे देख लिए, नहीं देखने वाले थे तो पकड़ पकड़ कर दिखाने की जरूरत नहीं है, जिनको आप दिखा रहे हैं उनके पास वो ताकत ना हो तब क्या होगा। एक मर्तबा एक साहबी रसूल ने, सुनिए, उसका उनका लड़का खो गया, छोटा सा बच्चा, बहुत परेशान हुए, मदीने की गली गली छान डाली आपने, कहीं ना मिला। हुजूर की बारगाह में आए कहा सरकार मेरा लड़का सुबह से गुम हो गया, मैं मदीना की गली गली छान डाला मगर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर अभी दुआ के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि उसी अंजुमन से दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा हुजूर मैंने इसके बेटे को अभी से चंद कुछ देर पहले सामने वाले गार्डन में चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। अब जो बाप सुबह से शाम तक अपने बेटे को तलाश रहा हो, उनके कानों ने अगर सुन लिया हो कि मेरा बेटा सामने वाले गार्डन में खेल रहा है, तो बाप अब वहां रुकेगा, वो दौड़ेगा बेटे के लिए, दौड़ पड़े। हुजूर ने फरमाया दूसरे साहबी से कि उनको बुलाओ। कहां भाग रहा है इतनी तेजी से, कहां जा रहे हैं? कहा हुजूर मैंने तो कहा ना कि मेरा बेटा सुबह से गुम हो गया, मैं बहुत परेशान, मेरी वाइफ परेशान, उसी को लेने जा रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक लेने जाइए, आपको मैं रोकता नहीं हूं, मगर जब अपने बेटे को उस गार्डन में आप खेलते हुए देखेंगे तो अपने बेटे को आप बेटा कह के मत बुलाइएगा। अरे कहो सुभान अल्लाह। साहबी हैरत में आके कहे सरकार बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, और फिर मैं अपने बेटे को बेटा ना कहूं तो किसको कहूं बेटा? हुजूर ने फरमाया कि हां बेटा तेरा है, तुझे बेटा कहने का फुल अथॉरिटी है, पूरा है, मगर यहां सिचुएशन अपोजिट है, हालात बदल गए हैं। मैं जानता हूं कि सुबह से तुम अपने बेटे को तलाश रहे हो, और मैं जानता हूं कि जब तुम अपने बेटे को वहां देखोगे तो बहुत ज्यादा पुरकैफ होकर मोहब्बत में शिद्दत लाकर अपने बेटे को बहुत प्यार से लब से बेटा का उच्चारण करके तुम अपने बेटे को बुलाओगे। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि जब अपने बेटे को तुम प्यार से बेटा
के पुकारोगे तो उस अंजुमन में, उस संगठन में, उस गार्डन में तेरे बेटे के साथ चंद बच्चे और भी खेल रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। जब वो प्यारा भरा जुमला तेरी जबान का वो सुनेगा, वो भी आप कह के अल्लाह से कहेगा, अल्लाह काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी ऐसे ही प्यार से बेटा कह के पुकारता। ए मेरे सहाबा, तुझे तेरा बेटा तो मिल जाएगा मगर किसी यतीम के दिल तोड़ने का गुनाह भी तेरे सर जाएगा। इसलिए कहा जाता है साहब, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। शेरवानी पहन लीजिए, अभी ये हमारे भाई साहब शेरवानी पहने, जीशान गाजीपुरी चले गए, शेरवानी पहने पहन लीजिए, आप 5000 का कपड़ा पहनिए पहन लीजिए, मगर कपड़ा पहनने के बाद जब आपके कैरेक्टर में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, होता है ना, पैंट पहनने के बाद थोड़ा चलने का स्टाइल बदल जाता है, बदलता है कि नहीं, कार खरीदने के बाद थोड़ा लिविंग स्टाइल में चेंजिंग आती है, महंगा मोबाइल ले ले तो बार बार कवर हटा के दिखाएगा लोगों को। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि हजरत मैंने आईफोन 14 प्लस लिया, मैंने कहा ठीक है, तो कवर था उसके ऊपर, तो मुझे कह रहा है कि हजरत ये मोबाइल कवर के लिए थोड़ी होता है, इसको मैं निकाल के रखता हूँ, दिखा रहा है वो कवर में सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा सैलरी कितनी है, बोला कि 1.5 लाख। मैंने कहा मेरी सैलरी 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास पहले से वो मोबाइल है, तुम जो दिखा रहे हो मेरे पास पहले से ही है, सारी एकड़ी वहीं रह गई, तुम तो दिखा दे फिर तो भाई कैरेक्टर में थोड़ा जब बदलाव आ जाए, इसी को गुरूर कहते हैं, इसी को तकब्बुर कहते हैं। खुशबू आप लगाइए, खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन खुशबू लगाकर जब आपका ये चाल चलन हो जाए कि लोग हमको महके, लोग सूंघे, लोग बोले कि वाह यार क्या सेंट लगाया इन्होंने, तो समझ लीजिए कि ये गुनाह है, फिर आपको आपके लिए वो खुशबू लगाना बेहतर नहीं है, क्योंकि आप अपने करैक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिसको बताना नहायत ज़रूरी था। मैं एक बार सारे मजमे से पूछना चाहता हूँ, चूँकि ये मेरा घर है, ये घर का जलसा है, अपनी आबादी का जलसा है, अपने इलाके का जलसा है, मेरा अपना कलीमी भाइयों का जलसा है, मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो वालिदैन के ताल्लुक से जो जितनी बातें मैंने कही, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं वालिदैन के एहतराम के ताल्लुक से बताया हूँ, 16 तारीख को फिर वालिदैन के लिए उनके बच्चों के लिए क्या हुकूक हैं ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। साहब 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 साहब, ये हमारे लिए ईद से भी कम नहीं है, क्योंकि जिस मुस्तफा के सदके में हमको आपको ईद की खुशियां मिली है, उसी मुस्तफा करीम के घराने का फर्द फर्द हाथ फरमाए। इंसान अपनी जिंदगी में हजार बनाता है मुझसे पेशतर शेर-ए-शेर मुहतरम हजरते ज़ीशान शान गाज़ीपुरी को आपने बहुत परेशान किया। ज़ीशान परेशान कर रहे हैं आप लोग, उन्होंने बताया कि हुजूर मैं 3-4 दिनों से अपने गली में गलियों के बीच में पढ़ रहा हूं और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में पढ़ रहा हूं। मैंने कहा सेम ही जगदीशपुर में जलसा था पिछली बार और निशान निशान साहब और मैं पहली बार कलीमी भाइयों के बीच में आया था पहली बार ही बार आया हुआ और तब से मैं कलीमी लोगों के रहे रह गया। आप में से अक्सर फेसबुक और व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं कि आज की तारीख मेरी कहीं ना कहीं है, मगर जब कॉल आता है ना कि सरकार ने याद किया है,
फौरन कॉल कॉल ड्राइवर गाड़ी उठाओ, सीधे पहले चलो 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 वहां से पहले हो जाए फिर देखा जाएगा कि कहां जाना है। ये मोहब्बतें हैं कलीमी भाइयों की तरफ से। यकीनन हिंदुस्तान में हम लोगों ने बहुत हमेशा हम लोगों ने पीरों के मुरीदों को देखा है, मगर जो अकीदत वाकई अपने अपने पीर से और बुजुर्ग लोग अपने जादे से करते हैं, ये मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी। जो खुद को और इंतजार सरकार होगी कब होगी और आपका इंतजार करना। स्टेज पे बहुत सारे हमारा हमारे अपने अंदाज पर इस्लाही आप पहुंचने की कोशिश करूं इससे जल्द से जाने के बाद जिन जिंदगी इस्लाम सलाम।